हेलो जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 सितंबर को सुनवाई हुई थी बिहार के रिजल्ट के मुद्दे से, वहाँ पे सभी चर्चा हो रहा था और भी बहुत सारे मुद्दे थे जो इंक्लूड था, जिसके कारण रिजल्ट को रोका गया है। विस्तृत रूप से चर्चा चाहते हैं कि क्या कुछ उस दिन हुआ और क्या कुछ आगे होने वाला है और कब तक रिजल्ट आ सकता है। कल 15 दिसंबर को जो केस की सुनवाई हुई थी उस केस में आदित्य प्रकाश वाले केस आदित्य प्रकाश के केस था, उसमें एक और आदमी है, दो आदमी दो पिटिशनर बने थे उस केस में, और दोनों लोगों ने मतलब मुद्दा ये उठाया कि कोर्ट ने बिना सिलेबस किए बगैर एग्जाम ले लिया था, और इस कड़ी में बिहार बोर्ड ने जो लेटर लिखा था शिक्षा विभाग को ऑनलाइन एग्जाम कराने की स्वीकृति दी जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान सिलेबस का जो मर्यादा सिलेबस है उसके बारे में डिटेल्स बताया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने केवल बिहार बोर्ड को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बस दे दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए, उसने ये नहीं दिया कि हाँ सिलेबस का डिटेल्स जो मांगा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा उसने ये नहीं दिया। इसी प्रश्न को लेकर गिरफ्तार मैंने समाचारिंग थे और इधर बिहार बोर्ड के वकील के द्वारा काउंसिल किया गया था, एडवोकेट जनरल खुद उपस्थित थे, उन्होंने पत्र लिखा भी बिहार बोर्ड का, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से उस लेटर का जो जवाब दिया गया था उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, काउंटर मांगा गया है, 0.4 और 0.5 जो था जिसमें बिहार बोर्ड डिमांड कर रहा था सिलेबस का शिक्षा विभाग से, उसके बारे में विस्तृत जानकारी या विस्तृत समझिए उसका ब्यौरा काउंटर अटेंडेंट के द्वारा मांगा गया है बिहार सरकार के द्वारा। ऐसे हमारे एडवोकेट जनरल भी प्रेजेंट थे और एडवोकेट जनरल ने मुद्दा उठाया भी कि जब ऑलरेडी ये लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अब ये लोग कह रहे हैं सिलेबस नहीं था एग्जाम में, तो यह मतलब ऐसा कुछ नहीं, किसी गेम में आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं और फिर आप कहिए कि गेम में रूल नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह के हवाला दिया गया था एडवोकेट जनरल के द्वारा, हमारे काउंटर किया गया था, एडवोकेट जनरल खुद उपस्थित थे, उन्होंने पक्ष लिखा भी बिहार बोर्ड का, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से उस लेटर का जो जवाब दिया गया था उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, काउंटर मांगा गया है, 0.4 और 0.5 जो था जिसमें बिहार बोर्ड डिमांड कर रहा था सिलेबस का शिक्षा विभाग से, उसके बारे में विस्तृत जानकारी या विस्तृत समझिए उसका ब्यौरा काउंटर अटेंडेंट के द्वारा मांगा गया है बिहार सरकार के द्वारा। ऐसे हमारे एडवोकेट जनरल भी प्रेजेंट थे और एडवोकेट जनरल ने मुद्दा उठाया भी कि जब ऑलरेडी ये लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अब ये लोग कह रहे हैं सिलेबस नहीं था एग्जाम में, तो यह मतलब ऐसा कुछ नहीं, किसी गेम में आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं और फिर आप कहिए कि गेम में रूल नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह के हवाला दिया गया था एडवोकेट जनरल के द्वारा, हमारे एडवोकेट ने भी अपने इंटरवेंशन पिटिशन जो फाइल किए थे हम लोग, उसमें हमारे एडवोकेट ने भी जानकारी अपना कोर्ट को दिया कि सर कि ऐसा ऐसा है कि बोर्ड ने ऑलरेडी सिलेबस वगैरह सब जारी किया था, पैटर्न भी जान रखा, वो सबको वेल नॉन था, और उसके अलावा बोर्ड का जो विज्ञप्ति आया था स्नातक स्तरीय तक प्रश्नों का स्तर रहेगा, इन सारे चीजों को करने के बाद हमारे इंटरवेंशन को अलाउ कर दिया गया, लेकिन ऑलमोस्ट जज साहब का समुखर था मतलब काउंटर नहीं आने के कारण ये सरकार ने काउंटर नहीं दिया था, तो अब उम्मीद है कि अगली सुनवाई जो है आपको 20 जनवरी को उसमें जो है सरकार के तरफ से काउंटर होगा। ऐसे एडवोकेट जनरल खुद प्रेजेंट थे यानी कि मैटर सीरियस है और अभी एक बार एग्जाम होकर कैंसिल हुआ है, दोबारा एग्जाम हुआ है, तो अपने स्तर से एडवोकेट जनरल ने पूरी मजबूती से पक्ष रखा है, कोर्ट भी मजबूती से लड़ रही है इस केस को, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए समझिए कि हम लोग गवर्नमेंट डिपेंड होने को चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने इंटरवेंट करके अपना पक्ष रखा है, और हमें उम्मीद है कि 20 तारीख को अभी प्रकाश जी का केस का जो है फाइनल हियरिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने जजमेंट ऑर्डर लगा दिया है 20 तारीख के पहले जो भी प्लीडिंग देनी है तीनों पार्टी को, यानी हम लोग इंटरवेंशन हो गया चाहे बिहार बोर्ड हो गया या जिस प्रकाश हो गया उनका काउंटर हम लोग करेंगे, रिप्लाई करना चाहेंगे, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्री चाहिए होता है वो सारा 20 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए और 20 जनवरी को ये टॉप 5 डेज में रहेगा, यानी मान के चलिए कि 20 जनवरी को ये फाइनल हियरिंग है और उम्मीद करते हैं कि फाइनल हियरिंग में हम लोग जीतेंगे, उम्मीद है कि रिजल्ट प्रकाशित होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो केस की जो है आरोप जी आप बात किए थे, मुझे लग रहा है शायद कोर्ट में कि क्या ये लोग डबल बेंच में जाने के लिए इस तरह का एक बात हुआ था शायद। हाँ बात हमारी हुई थी, तो बात यही हुआ था कि डबल बेंच में ये लोग जाएंगे केवल स्टेट है करवाने के लिए, मतलब स्टेट हटवा लेंगे रिजल्ट जारी कर देंगे, बाकी जो केस सिंगल बेंच में चलता आ रहा है वो चलेगा, लेकिन बाद में जब हमने बात किया कोर्ट के जो है आपको जाता है, रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट पर लिखा रहेगा की
आपका रिजल्ट पास है लेकिन इस केस पे आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। अगर बाय द वे इस केस में एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है तब तो रिजल्ट पास है लेकिन इस केस पे आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। अगर बाय द वे इस केस में एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है तब तो मुश्किल हो सकता है बोर्ड के लिए वो रखेंगे अपने काउंटर में। अरे एक तो मुद्दा हो गया ऑनलाइन एग्जाम का, वो लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम से अवेयर नहीं है। एक दूसरा यहाँ सिलेबस की भी चर्चा हो रही है और एक लेटर भी जो था वो वायरल हो रहा है, तो उसमें जब लिखा गया है तो ये चीज तो जो पॉइंट नंबर फोर है कोर्ट में भी यही मुद्दा में फंसा हुआ है। कोर्ट ने जब ये कहा कि पैटर्न की जानकारी ऑलरेडी स्टूडेंट को थी और देखे भी होंगे दिया हुआ है कि 100 नंबर आपके जो है 70 रहेंगे, 50 नंबर आपको किसी ना किसी चूज या रीजन वगैरह से मिलेगा। बोर्ड का कहना ये स्नातक स्तर तक जब हम दे दिए हैं तो उतना ही सिलेबस है, तो मेन कोर्स का रुक ये था कि जब आपको सिलेबस था इंटर के लिए लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। जब ये लेटर आपने लिखा शिक्षा विभाग इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया, शिक्षा विभाग केवल इस बिंदु पे केवल क्यों सहमति दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराइए। शिक्षा विभाग को यह भी कहना चाहिए था कि सिलेबस ऑलरेडी जो दिया गया है वही रहेगा, तो आप लिखना चाहिए शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग ने जो नहीं लिखा है इसी के साथ रहिए शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड की तरफ से वही बताया गया कि जो पैटर्न हम लोग का था एग्जाम का वो ऑलरेडी हमारे विज्ञापन में है, उसके बाद फिर भी हमने पेपर में डाला था दोबारा कि उनको प्रश्नों का जो स्तर होगा स्नातक स्तर ये होगा और कम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जाम के पैटर्न होते हैं तो चैप्टर का नाम देकर सिलेबस नहीं दिया जाएगा। बोर्ड का ही तर्क था अपना कि और भी एग्जाम होते हैं रेलवे के या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, वहां भी आपको सिर्फ यही दिया जाता है रीजनिंग किस नंबर आएगा, मैथ किस नंबर आएगा, उसमें कोई ये नहीं बताया जाता कि हाँ ये चैप्टर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ एग्जाम्स हैं जो पूरा डिटेल्स देता है, कुछ एग्जाम में नहीं भी देता है। बैंकिंग में जाइएगा तो बैंकिंग में आपको सिर्फ उतना ही दे देगा रीजनिंग किस है मैथ किस है जी एस किस ऐसे करके ठीक है, लेकिन वो पूरा टॉपिक वाइज वो चाह रहे थे सिलेबस जैसा कि आपको देखते हैं सीटेट वगैरह उस तरह का बेसिक सिलेबस बोर्ड ने जारी नहीं किया था, लेकिन बोर्ड अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिसर्च होते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है एकेडमिक एग्जाम में सही तक था अपना कि और भी एग्जाम होते हैं रेलवे के या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, वहां भी आपको सिर्फ यही दिया जाता है कि रीजनिंग किस नंबर आएगा मैथ किस नंबर आएगा, उसमें कोई ये नहीं बताया जाता कि हाँ ये चैप्टर से आएगा ऐसा कुछ। कुछ एग्जाम्स हैं जो पूरा डिटेल्स देता है, कुछ एग्जाम में नहीं भी देता है। बैंकिंग में जाइएगा तो बैंकिंग में आपको सिर्फ उतना ही करेगा रीजनिंग किस है मैथ किस है जी एस किस ऐसे करके ठीक है, लेकिन वो पूरा टॉपिक वाइज चाह रहे थे सिलेबस जैसा कि आपको देखते हैं सीटेट वगैरह देता है उस तरह का बेसिक सिलेबस बोर्ड ने जारी नहीं किया था, लेकिन बोर्ड अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिसर्च होते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपको हम आप चीज बता के करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बस ग्रेजुएशन असिस्टेंट का प्रश्न दिया है और हमने बता दिया था कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, बस इतना ही बोर्ड का तर्क था। और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से बस हमने ग्रेजुएशन वकील कहें गवर्नमेंट के काउंटर नहीं आया था गवर्नमेंट नहीं मिली, कहा गया है कि आप अपना पक्ष जो है रखिए लेटर बोर्ड आपको भेजा उसका जवाब उसने आपने दिया केवल एक पॉइंट का सहमति दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करके दूसरे पॉइंट से केवल उसके बारे में आपने नहीं दिया है, उसी का पीछे वो जवाब मांगा गया है और अगर भी पढ़िएगा और अगर किया गया है कि अगर अभी लड़की को काउंटर नहीं आती है तो बोर्ड का एग्जाम लेगी। बिहार गवर्नमेंट के पास से गवर्नमेंट अगर से दिखा दे स्नातक स्तर ये था यदि उसकी मर्यादा सिलेबस की जो बात चली गई है उसमें वो केवल कर देखिए पैटर्न और दिखा ग्राउंड लेवल सब्जेक्ट भी क्या आप कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट इस तरह से काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक सीखने वाला है। लोगों को नुकसान किया गया है
26 फरवरी को दिए 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 26 फरवरी